नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिरला प्लैनेटेरियम कोलकाता को पूरा अंदर से। तो मेरे व्लॉग में आप बने रहिए, मैं चैनल को लाइक जोगे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों ठीक मेरे सामने है बिरला प्लैनेटेरियम, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फेमस है, इसको कोलकाता का तारा मंडल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने अभी पूछा है, अभी यहाँ पे टिकट अवेलेबल है बंगाली शो के लिए, तो हम लोग बंगाली शो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नहीं तो हिंदी शो बहुत ही रात हो जाएगा। देखिए आपको फ्रंट व्यू मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आने के लिए आपको मेट्रो मैदान स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ से दूर है, अराउंड 5 मिनट या 10 मिनट्स वॉकिंग है। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे अलग अलग शो की टाइमिंग है, लाइक 2 बजे 4 बजे 6 बजे, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। मैं वहाँ पे पॉपअप में आप देख सकते हैं लाइक इंग्लिश हिंदी बंगला अलग अलग शो के टाइमिंग्स हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ आप जब यहाँ पे आएंगे आपको 120 रुपीज़ लगेगा 3 साल के ऊपर के बच्चों के लिए और 3 साल के नीचे के बच्चों के लिए। अभी प्राइस पता नहीं क्या, मैंने जैसे पता चलेगा मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पे बता दूंगा। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आने के पहले हमें एक टोकन दिया गया है पर पर्सन के हिसाब से, मतलब 2 लोग हैं 2 टोकन 3 लोग हैं 3 टोकन और 1 आदमी को ही सिर्फ टिकट लेने के लिए अलाउ किया जा रहा है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे 2 लाइन दिख रही होगी आपको, एक टिकट की लाइन है और एक नॉर्मल खाली लोग खड़ा होने की लाइन है। तो अगर आप टिकट ले लेते हैं उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। ये टिकट मिल चुका है अगर आप देख सकते हैं, तो अभी हम जाएंगे। टिकट आपको लेने के बाद भी अलाउ नहीं होता जब तक पूरे लोग जो पहले जा चुके हैं वहाँ पे निकल ना जाए। तो अभी मुझे वेट करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरा शो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है जिसका मेरा टिकट लिया हुआ है। तब तक मैं अभी यहाँ घूम रहा हूँ उसके चारों तरफ। पर यहाँ बता दूँ कि बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सीट्स बहुत अवेलेबल है अंदर में जो थिएटर है उसका, पर इसमें सिर्फ 286 सीट्स ही अवेलेबल किए गए हैं कोविड नॉर्म्स की वजह से। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको भी इसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ तो इस साइड से कुछ ऐसा ऐसा लगता है, अगर आप देख सकते होंगे। तो ये अंदर से आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा लुक है, ये ऊपर पूरा गुंबद ऐसा ही देखने में है। मेरे सामने जो आप मशीन देख रहे हैं उसी से ये प्रोजेक्ट होके पूरा चीज़ दिखाएगा यहाँ पे। और ये है गोल गुंबद जहाँ पे बिरला प्लैनेटेरियम को अब जो बाहर से दिखता है बड़ा सा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक छोटे से प्लैनेट के अंदर बैठा हुआ हूँ और उसके अंदर से मैं आपको मूवी दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बार तो करने के लिए एक्सपीरियंस है। अभी मूवी स्टार्ट नहीं है, उसके पहले मुझे इतना अच्छा लग रहा है इसका लुक, तो मूवी स्टार्ट होकर तो लग रहा है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए मैं मूवी दिखाता हूँ आपको। সেই সৃষ্টির গল্প এখন উপস্থিত করছে দ্য কসমিক কালিশনস। সমাধি হচ্ছিল পৃথিবীর 2টি শহর, তখন আকাশে দেখা দিয়েছিল এক অচেনা অনাহূত ধূমকেতু। একটি এসে পড়ল বড্ড কাছে, ঘটল এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ, পৃথিবীর একাংশ উৎক্ষিপ্ত হল, মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ল ধ্বংসাবশেষের গড়ন্ত পাথর সৌরমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে ঘন্টার প্রায় 10 লক্ষ মাইল গতিতে। एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ है जो कि उनका ओल्ड प्रोजेक्टर था और उसके साथ साथ काफ़ी सारी पेंटिंग वगैरह लगाई हुई हैं जो रिलेटेड टू सेलेस्टियल बॉडीज या उस समय जो जो ये इस पर रिसर्च हुई है, ये सब जो है चंद्रयान और सैटेलाइट्स हैं जो इसरो के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है और कुछ कुछ स्टैचूज जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड बनाई हुई थी। और इसको बारे में मैं नहीं जानता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये जो आप स्टैचू आप देख रहे हैं ये वीनस का स्टैचू है, इसके बारे में आगे जाके आप देखेंगे कुछ लिखा भी हुआ है। ये वो नोट है जो वीनस के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में आप ध्यान से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो स्टैचू है ये जस्ट आपको एंट्रेंस के करते समय ही मिलेगा आपको बिरला प्लैनेटेरियम का हॉल। तो दोस्तों अगर आप में से एक्सपीरियंस पूछेंगे तो बहुत ही अच्छा है, एक बार तो आपको देखना ही चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों मुझे मालूम है आपको वीडियो बहुत मजा आएगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक जो कर दिए, सब्सक्राइब जो कर दिए। इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ बाय।